हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहरी हर्षरूप शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है। अध्याय नंबर पढ़ा रहा हूँ आपको 12 हीरोइन का सूत्र। प्रश्न वाली है 12.2। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बताए थे कल 10 नंबर तक, आज उसके आगे बताऊंगा 11 नंबर। जी देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए 11 लिखा हुआ है, फिर 12 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 11 12 आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपको बताते हैं, आगे दिखा देते हैं क्वेश्चन। जी देखिए, बराक बाद देखिए आपको लिख दिख रहे होंगे 14 नंबर, 14 से 18 तक साफ साफ दिख रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18 के बाद आपको एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त, हीरोइंस का सूत्र या फार्मूले हो जाएंगे आपको समाप्त। आप लोगों को आगे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिए, YouTube चैनल को अभी तक जो लोग नए हैं चैनल पर, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो वो उनसे आप हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और क्या आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कोशिश करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन, शुरू करते हैं बहुत ही टाइम न लगाते हुए। ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण। ठीक है, तो हमारा ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, विकर्ण बी डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप इसको कैसे लगाएंगे? बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ, कोशिश करते रहिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हमारे का। ए बी का मान दिया हुआ है, तुमको हम लिख लेते हैं। ए बी दिया हुआ, मान लिया हमने, तिरछा बना लिया। ए बी दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको दिया है, फिर क्या दिया है, बी सी, बी और सी बना लिया। बी सी दिया हमको कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमें सी और डी दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, डी बना लिया। और जो हमारा ए और डी दिया है, हमारा डी ए दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये बना लिया 10 सेंटीमीटर। जो हमारा बी डी, बी से जो डी की डिस्टेंस दी है कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। देखिए हमने ऐसे बना लिया डायग्राम, जो चीज दी थी वैसे आपको बना लेना है। फिर अब आपको ए बी सी डी, जो हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका हमें क्या चतुर्भुज से ले लेंगे, याद आएगा हमारा ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में से तो ए बी बराबर हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और ए डी बराबर दिया हमें 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बी डी बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या, एक का निकाल लेंगे, दूसरे का अलग अलग, दोनों को जोड़ देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तब निकालेंगे त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो बी सी डी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, क्षेत्रफल से तो ए बराबर मिलेगा हमको 5, बी बराबर मिलेगा 7, सी बराबर मिलेगा 8। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या जाएगा, 5 ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, दिस इंप्लाइड दैट 8 7 15 5 20 बटे 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 मिल गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या जाएगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, अंडर रूट हो जाएगा एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। अब देखिए एस का मान है हमारे पास 10, 10 माइनस के 5 और 10 माइनस के 7 और 10 माइनस के 8, आ जाएगा हमारे पास वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको क्या, अंडर रूट 10 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक। तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जा जाएंगे 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अब निकालेंगे क्या, पुनः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो जी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो एस निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो 4
प्लस के 10 प्लस के 8 बटे 2, तो ये रहेंगे 10 और 18 हुआ 4 22, 22 बटे 2 सेंटीमीटर दैट, तो सेंटीमीटर दैट दिया जाएंगे 11 सेंटीमीटर। आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा 11 के बाद। अब देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला एस एस माइनस के ए एस माइनस के बी एस माइनस के सी, ठीक। एस का मान 11 और जी आ जाएंगे सॉरी 11, 11 माइनस के 4 और 11 माइनस के 10 और 11 माइनस के 8, तो यह आ जाएंगे 11 गुणे 7 4 11 होते हैं, 1 होते हैं और 3। इसको निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो जी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 231, तो जी आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 10√3, तो आ जाएंगे 17.31 प्लस के 15.2, तो यह आ जाएंगे 15.5 बना हुआ जी हो जाएंगे हमारे पास 32.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक आंसर, 11 नंबर सवाल आपका हो गया, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी लगाने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 नंबर सवाल। अब आपको बताते हैं 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल भी बहुत ही आसान बहुत ही इजी वे में आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ये देखिए 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर जी रहा लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर हो तथा उसके विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बताना है आपको, बताते हैं कैसे बताना है, कोशिश करते हैं बताने की आपको समझाने की। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दिया 40 मीटर, परिमाप जो दिया है पूरा हमें कितना दिया है 40 मीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएंगी 10 10 मीटर हो जाएंगी, इतना लिख लेंगे हम। समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40 मीटर, ठीक, और समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी 4, तो 4 भुजा होती है तो 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 10 मीटर, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 10 मीटर की, तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे हम। जे भी दस ए बी सी डी जे बन जाएगा ओ। अब इसमें देखो विकर्ण हमको दिया हुआ है, क्या दिया है विकर्ण की लंबाई दी है कितनी दी है हमें बी डी दिया हुआ है 12 मीटर, तो हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे, क्या समकोण त्रिभुज जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी एक को ही निकाल लेंगे बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएंगे हमारा ए ओ बराबर आ जाएगा हमारा। अब यहां पे अगर हम बी ए ओ बराबर आ जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में बी ओ का स्क्वायर, ए बी हमारे पास दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस बी ओ, बी ओ हमारा हाइट टोटल कितना विकर्ण कितना दिया 12, तो जब आधा ले रहे हैं तो 12 बटे 2 का होल स्क्वायर, जा जाएंगे हमारे पास 100 माइनस 36 प्लाट दर, तो जा जाएंगे हमारे पास 64 से हमारा आ जाएगा ए ओ का मान आ जाएगा 8 मीटर, ठीक 8 मीटर आ गया। तो दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इसका दूसरा जो विकर्ण है विकर्ण हो जाएगा क्या 2 × 8 बराबर 16 मीटर का, ठीक। हमें जो दूसरा जो विकर्ण एक और डाल दिए थे उसमें उसकी लंबाई निकाल लिए हैं 16 मीटर, तो अब लिखेंगे सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मैंने अपन 2 × AC × BD, ठीक है AC ए विकर्ण बटे दूसरा विकर्ण डिवाइड टोटल,
वह जाएगा समय चतुर्भुज 1/2 गुणा 16 गुणा 12, तो जो जाएंगे 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 12 नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों को समझ में भी आएंगे, आप लोग लगाएंगे भी क्वेश्चन। ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब बताते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 13 नंबर बहुत आसान है, 13 नंबर क्वेश्चन लगा सकते हैं 13। ये देखिए आपको 13 बताते हैं। लिखा हुआ एक सम चतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 50 मीटर और 96 मीटर है लंबे है, उसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए 50 मीटर 96 मीटर है तो लंबे है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बता देते हैं, लिखेंगे क्या सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी कितनी है 50 मीटर तथा हमारा विकर्ण कितना दिया हुआ है इसमें सॉरी बी डी बराबर 96 मीटर। ठीक है, तो इसके आगे बताते हैं। ठीक है, तो बी डी हमारे पास दिया 96। अब देखिए हमें क्या यहां से अब डायग्राम बनाएंगे, यहां पे हमारा दिया हुआ है ठीक, तो ये हो जाएगा ओ ए बी सी डी। हम अगर बी ओ निकालेंगे तो बी ओ निकालेंगे तो यह जाएगा 96/2, ये जाएंगे 48 मीटर। ठीक, अब देखिए हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज से त्रिभुज ए ओ बी ने ठीक। अब देखिए 50 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान हमें दिया हुआ है 50, बी ओ हमने निकाल लिया 48। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, दिस सिंपल एट दैट, ये जाएंगे हमारे 2500 माइनस 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब यह जाएगा हमारे पास 196 का हो जाएगा 14/12 आ जाएगा, तो ए ओ हमको मिल जाएगा क्या ए और ओ के बीच की ये 14 मीटर हो जाएगी, और जी हो जाएगी हमारे पास कितनी बी ओ हो जाएगा 48 मीटर का। ठीक है, देखिए इसके बाद आगे क्या करेंगे, दूसरा जब विकर्ण निकाल लेंगे, दूसरा विकर्ण हो जाएगा जो हमारा इसी में, दूसरा विकर्ण निकालेंगे उसकी लंबाई, दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारे पास बराबर एसी, एसी बराबर जाएगा 2×14, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 28 मीटर। तो ये हमारा एसी जो हो जाएगा इसका भी हमारा हो जाएगा 14 मीटर, तो दोनों हो जाएंगे हमारे एसी 28 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब 28 मीटर आ गया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए सी गुणा बी टी। ठीक है, अब ए सी गुणा बी टी तो 1/2 ए सी का मान है 28, बी टी का मान है 96, तो गुणा निकाल लेंगे, दिया जाएंगे 14×96, ये हो जाएंगे हमारे पास क्या 1344 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहां लिख लेंगे अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 1344 मीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हो गया 13 नंबर। अब आपको बताते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 नंबर भी लगाते हैं। लिखा हुआ है क्या, चित्र में ए बी सी डी का चतुर्भुज है जो बी डी इसका एक विकर्ण है जिसका क्षेत्रफल, देखिए चित्र आपको बनाया नहीं यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, बुक मेरे पास सामने रखी हुई है तो बुक से ही बना रहे हैं। तो जी हमारा ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कर देना है, और जी यहाँ से यहाँ ऐसे हमारा क्या विकर्ण पड़ा हुआ है, तो जी हमारा ए बी सी डी दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हल करना है, क्योंकि ए बी सी डी का एक हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है,
जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आधार तथा ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास ए बी गुणा क्या हो जाएगा, बी डी जाएंगे 4 गुणा 3, 3 चक हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो लिखेंगे आता ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी हो गया आपका। देखिए 14 के बाद आपको मैं 13 के बाद मैंने 14 नंबर क्वेश्चन बता दिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से कोशिश कीजिएगा लगाने की, आगे आप लोग शायद लगा सकते हैं। 14 बता दिया मैंने, आप 15, 16, 17, 18 बचे हैं, जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, नए जोश, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।